मेरे अपनी बात को आज रख रहे हूँ। बहुत अच्छा लगा है, जब मैं आ रही थी, जब मैं आई थी तो प्रतिभा जी ने जो पूरा बजट के बारे में बहुत ही अच्छा से सरल तरीके से आप लोग के सामने रखा। ये कैडर को ये जरूर समझने की जरूरत है, जब हम कैंपेन करते तो हमको पूरा पूरा समझ होना चाहिए। साथियों, मुझे पता है लंबे समय से आप सब राइट टू एजुकेशन फोरम में जुड़े हैं, और जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट बना है 2009, आई थिंक 2010 से ये फोरम काम करना शुरू किया, और लगभग आपने कैंपेन राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, लोकल स्तर पे, और साथ में हर साल में दिल्ली स्तर पे भी एक बड़ा प्रोग्राम होता है जो हमको ताकत देती है, और पूरा जानकारी के साथ हम नीचे फिर जाते हैं। मैं एक संगठन में काम करती हूँ जिसका नाम भारत ज्ञान विज्ञान समिति है, और भारत ज्ञान विज्ञान समिति और एक ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क है। इसमें हम लोग मुख्य काम हमारा होता है टू मोबिलाइज द पीपल, और लोगों को तैयार करना, और लोग कम से कम इन मुद्दों को लेके बदलाव की बात कर सके, ये हमारा काम होता है। ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क और भारत ज्ञान विज्ञान समिति लगभग देश के 22 राज्यों में काम करते हैं, तो कुछ अनुभव जो जीवन का और पिछले 25-27 साल का है, मैं जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है मैं उसको रखने की कोशिश करूँ। एक बात, कैसे पीपल साइंस मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट्स का इन इश्यूज को लेके क्या रोल हो सकता है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, ये जिम्मेदारी अपनी बात दो तीन बात में रखना चाहूँ। कल मैं सोच रही थी कि इतना सारा अनुभव है, इतने सारे अच्छी चीज भी जमीन स्तर पे हमारे जैसे लोग करते हैं, ये सब चीज को कैसे रखा जाना चाहिए। अगर हम यानी हमारा संगठन जब शुरू हुआ वो हमने 90 में शुरू किया, 90 में हमने शुरू किया, एक पूरा देश में जो आजादी से पहले भी साक्षरता का पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम चलता, आप सब जानते होंगे, वो 1978 में एक था नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, वो प्रोग्राम कितना चलता था कि पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम के तहत चलता था, जो पूर्ण